मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। Done. Yes, sir. तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल थे ये काम खत्म करने की। मैं आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। So today, time is life or death. Tick tock, tick tock. हम एक बेहाल हेल्थकेयर सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम राठौड़ has given 5 hours to fix this system. सालों से हम एक बदहाल हेल्थ सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम राठौड़ ने सिस्टम को इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए केवल 5 घंटे का समय दिया है। आज हम देख रहे हैं कि सिस्टम अगर ठान ले तो 10 साल का काम 5 घंटे में कर सकता है। इस समय हमारे हर नागरिक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, विक्रम राठौड़। We are witnessing that 5 hours are enough for what usually takes 10 to 20 years. The only thing required is the intent of the system. तुम्हारे डिमांड्स के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो चलिए, आपसे एक आखिरी चीज और मांग। अब और क्या चाहिए? इतना बड़ा काउंट करने के बाद उबर में तो नहीं जा सकते ना? चौपर ज्यादा सही रहेगा। क्या बोलते हैं आप? Girls, watch your six.
आपने जो भी बालों के सैंपल्स मुझे दिए थे उनका टेस्ट किया है, वो किसी एक आदमी का नहीं है, 20, 30, 40, 60 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बाल। मतलब वीक है। यस मैम। एक काम करो, डिपार्टमेंट के बेस्ट ग्राफिक आर्टिस्ट को बुलाओ और विक्रम राठौड़ के इस इमेज को रेफरेंस की तरह यूज करो। 25, 35, 45 इन एज ग्रुप्स के सारे वर्शन चाहिए मुझे। यस मैम। कल मिलते। पर कल तो आपकी शादी है ना मैम। हाँ, पर अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट लीड मिले तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। इज दैट एन ऑर्डर मैम? यस इट इज। नमस्ते भाई। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? आज आपने इन्हें घर पे कैसे बुला लिया? अगले 2 महीने में इलेक्शन आने वाला है, इतना भी पैसा दो उनको काम अपनी मर्जी से ही करेंगे, कुछ बोलो तो भी सुनेंगे नहीं, क्योंकि पावर उनके पास है। आपसे वो पावर हमारे पास होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? कुर्सी आज के लिए बस। एक राजा था तुम्हारे जैसा, एक के बाद एक 2 जंग हारा, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। एक बूढ़ी अम्मा ने उसको गरम गरम दाल भात बना के दिया, उसने सीधा भात के बीच में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया। बूढ़ी ने बोला, बार बार से शुरू करोगे आराम से खा लोगे। और कुछ दिन के बाद उस राजा ने अपने खोए हुए राज को वापस जीत लिया। जब तक मैं रशिया से वापस नहीं आता, ठंडे दिमाग से सब संभालो, वक्त आएगा सबको ठिकाने लगाएंगे।